टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स हैं EQ5 माउंट के, और कोने में जो आप देख रहे हैं मक्सुटोव ब्रेसर 6 इंच ऑप्टिकल ट्यूब है। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा अगर आपने प्लैनेट्स पे एस्ट्रो इमेजिंग करनी है, क्योंकि प्लैनेट्स पे आपको फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए और आपको शार्प इमेजेस अगर लेनी है एस्ट्रो इमेजिंग के लिए तो या तो आप ईडी रिफ्रैक्टर्स पे जाइए, लेकिन 6 इंच का ईडी रिफ्रैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। लेकिन नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है कि हम 6 इंच के मक्सुटोव में जाएं। तो 6 इंच मक्सुटोव जो है ब्रेसर का आता है 1900 फोकल लेंथ में, उसके साथ एक फ्लॉसल आईपीस आता है, आप अलग से आईपीस ले सकते हैं, प्लानेटरी आईपीस। तो आइए इसका असेंबली देखते हैं और इमेजेस कैसी दिखाई देती हैं उस पर भी नज़र डालते हैं, बने रहिए। तरीके से आपका ये रिंग यहाँ पे आ गया, ये इसमें हैंडल भी है, आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी ट्यूब है, करीब 6.5-7 किलो के आसपास है। ये 6x30 इसका फाइंडर लग गया, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन ट्यूब लगा दी ताकि बैक फोकस आपको अच्छा मिल जाए। ये करीब 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो दो पार्ट्स में है, 4 सेंटीमीटर ईच, 8 सेंटीमीटर का आपको एक्सटेंडेड फोकस मिल जाता है। 1.25 इंच का इसमें डायगनल है और ये आईपीस लगा हुआ है यहाँ पे। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल टास्क हैं। इसका करेक्टर लेंस है, सेकेंडरी है और पीछे प्राइमरी मिरर है, मक्सुटोव कासिग्रेन। तो आपने कहीं ले जाना हो तो इसको ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं, काफ़ी हैवी पीस है ये। और ये नॉर्मल AZ ट्राईपॉड या कैमरा ट्राईपॉड पे नहीं लगेगा, आपको इक्वेटोरियल माउंट लेना ही पड़ेगा। साथ में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कैमरा है, लेकिन ये अगर आप यहाँ लगाते हैं तो मोबाइल यहाँ इस तरह से फंस जाएगा और आप कोई ऐप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और जब वहाँ से देख रहे हैं तो उस ऐप को यहाँ से देख सकते हैं, या जब स्काई की तरफ पॉइंट करेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो SLR कैमरा भी यहाँ लगा सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। 2 इंच के आईपीस यूज़ हो सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें 2 इंच का डायगनल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हैवी है काफ़ी, करीब 600-700 ग्राम के आसपास है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा। आप कैसे लगाना है वो देख लेते, इस तरह से 2 इंच का डायगनल आप इसको लगा लीजिए तो 99% रिफ्लेक्टिविटी के साथ, डाई इलेक्ट्रिक डायगनल है ये 90 डिग्री का। इसके अंदर भी 1.25 इंच का आपको प्रोविज़न दिया, आप ये रिंग निकाल देंगे तो 2 इंच का सीधा आप आईपीस इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, आप ये 2 इंच का डायगनल ज़रूर लीजिए, ये अलग से आपको मिलेगा 7000 का। दोस्तों इस तरह से असेंबली है, RA और डेक्लिनेशन एक्सेस पे आपने ट्यूब को बैलेंस करना है। उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम एसेसरीज जो हैं वो आप लगा लीजिए, जैसे ये इसका डायगनल वगैरह है ये सब लगा लीजिए। अगर आपके पास 2 इंच डायगनल है तो वो लगा के, आईपीस लगा के, पॉइंटर स्कोप लगा के, वो सारी चीज़ें लगा के आप बैलेंस करेंगे तो बेटर बैलेंसिंग होगी। सोलर फिल्टर ब्रेसर कंपनी देती है, अगर आपने सोलर ब्लैक स्पॉट्स देखने हैं, सन के ब्लैक स्पॉट्स, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्या आता है, 25 mm का इस तरह से प्लॉसल आईपीस आता है जो 73x पावर देता है, 1900 डिवाइडेड बाई
25 mm, तो ये आपका ढूंढने के लिए और डीप स्काई के लिए रहने वाला है। आप इसको बेटर भी कर सकते हैं 32 mm आईपीस लेके। एक आपको मैं प्लेनेटरी आईपीस रिकमेंड करूँगा इस तरीके से, 68° फील्ड ऑफ व्यू अल्ट्रा वाइड है, जो एस वी बोनी भी बनाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है उनका, लेकिन ये 3800 का पड़ता है। मल्टी कोटेड है, 4 या 5 एलिमेंट ग्लास है, ये आप ले सकते हैं तो आप करीब 325-320x के आसपास पावर इससे निकाल सकते हैं 6mm आईपीस के साथ। ये ब्रीफ में वीडियो था। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो उसके टी रिंग्स और टी अडेप्टर मिल जाएंगे अलग से, 2 इंच डायगनल भी आप इसमें लगा सकते हैं और 2 इंच के आईपीस आप ले सकते हैं। वो सारे एक्स्ट्रा एड ऑन एसेसरीज है। पूरा पैकेज जो है वो आपको 1,35,000 का पड़ता है। उसमें ये 6mm आईपीस जो है वो हम आपको साथ में दे रहे हैं, आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। 85,000 का ये है और ये करीब 49,000 का है, लेकिन उसमें फिर वो 6mm का आईपीस जो एक आपको डील में क्लब होके मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, 4,000 के करीब जो है। तो ये एक ब्रीफ वीडियो था। अगर आप प्लैनेटरी इमेजिंग करना चाहते हैं या प्लैनेट्स पास से देखना चाहते हैं, परफेक्ट सेटअप है इक्वेटोरियल 5 माउंट में। माउंट काफ़ी केपेबल है इसमें, ये 5 किलो का इसमें वेट है। आप एड ऑन वेट प्लेट्स ले सकते हैं, 2.5 किलो 3 किलो की अलग से, 4 किलो की आपको मिल जाएंगी अगर आपके पास बड़ी ऑप्टिकल ट्यूब है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। Thank you.